अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपने अपने जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है उस पर आपने जो है व्हाट्सएप का जो चैट बटन है वो कैसे आपने यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, ताकि यूज़र को जो है आसानी हो जाए आपसे चैट करने के लिए। या जो समटाइम आपको कोई भी वेबसाइट अगर विज़िट करते हैं, कोई बहुत बड़ी वेबसाइट हो, तो उस पर सपोर्ट का ऑप्शन होता है, चैट का ऑप्शन होता है, तो इसी तरह हम एक व्हाट्सएप का बटन यहाँ पे ऐड करेंगे एज इच सपोर्ट के लिए, ठीक है, तो ताकि यूज़र के लिए आसानी हो। तो वो ऐड कैसे किया जाता है आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। वर्डप्रेस की वेबसाइट पर सबसे पहले आपने लॉग इन हो जाना है। देन जो है आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर प्लगइन्स का बटन आपको नज़र आएगा, ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जूँ ही जब क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पे सारे प्लगइन्स यहाँ पे शो हो जाएंगे और आपने यहाँ पे ऐड न्यू क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है ये सारे प्लगइन्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप जब भी कोई अगर प्लगइन्स कभी भी आपने प्लगइन इंस्टॉल करना है तो आपने सेम इसी तरह मेथड यूज़ करना है और इस को मेथड को यूज़ करते हुए यहाँ से कोई भी प्लगइन आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है आपने सर्च WP चैट, ओके, WP चैट आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखें आपको, यहाँ पे आपको WChat ऐप जो है वो उसका प्लगइन नज़र आएगा। तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको यहाँ से इंस्टॉल नो के ऊपर क्लिक करना है। तो ये जो है इंस्टॉलेशन इसकी हो रही है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है वेट करना पड़ेगा और ये जो है इंस्टॉल हो चुके हैं। अब उसके बाद हमने इसको एक्टिव करना है, ठीक है, जब एक्टिव करेंगे तो उसके बाद ये वर्क करेगा। तो हम इसको एक्टिव करते हैं, ठीक है, एक्टिव हो चुके ये। और उसके बाद देखें यहाँ पे ये आपको बटन यहाँ पे व्हाट्सएप का नज़र आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सिंपली ऐड न्यू अकाउंट के ऊपर आना है। यहाँ पे आने के बाद आपने सबसे पहले करना ये है कि यहाँ पर आपने अकाउंट नेम यहाँ पर आपने टाइप करना है, ठीक है, कोई सा भी आप नाम रख सकते हैं, या तो आप रख लें WhatsApp चैट या WhatsApp सपोर्ट, जो भी है आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अकाउंट नेम हो जाएगा, देन जो है आपने यहाँ पे अपना जो है अकाउंट नंबर जो है आपका WhatsApp का, ठीक है, वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। बट ये कंट्री कोड के साथ आपने जो है वो यहाँ पर ऐड करना है। तो कंट्री कोड जो है वो आपने कैसे जो है यहाँ पे ऐड करना है, तो आप इसके ऊपर अगर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन बता देगा कि आपने कैसे जो है उस व्हाट्सएप बटन को ऐड करना है। तो यहाँ पे देखें ये जो है आपको कंट्री कोड के साथ जो है यहाँ पे अपना नंबर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर आते हैं और मैं यहाँ पर जो है नंबर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक नंबर मैंने जो रेंडमली नंबर एक ऐड कर दी है, ठीक है, और यहाँ पर आपने टाइटल जो है यहाँ पे ऐड करना है। तो टाइटल जो है आप इसको दे दें स्पोर्ट, ठीक है, स्पोर्ट का टाइटल दे देते हैं। इसको आप फ़िलहाल जो है इसको ब्लैंक रहने दें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें ऑलवेज़ अवेलेबल ऑनलाइन, तो अगर आप इसको यहाँ से करना चाहते हैं तो ये जो है ये बेसिकली प्रो के लिए है। तो यहाँ पर आप अगर प्रो वर्जन आप अगर यूज़ करेंगे तो उसके लिए जो है आप यहाँ से कोई सा भी जो है वो दिन सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से और उसको जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हमारा फ्री वर्जन है तो हम इसको और यहाँ पे ऑलवेज़ अवेलेबल ऑनलाइन ही रहने देंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर बॉटम स्टाइल की बात की जाए तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको प्रीव्यू करके बता रहा है, ये देखें ऐसे जो है हमारा बटन नज़र आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, नीड हेल्प चैट विद अस, या इसको एज इट इज़ रहने दें। उसके बाद यहाँ पे देखिए बटन स्टाइल, अगर आपने बटन स्टाइल यहाँ से इसको चेंज करना है तो आप इसको यहाँ से स्क्वायर में भी कर सकते हैं, राउंड में भी कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक राउंड में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और उसके बाद यहाँ से आप कलर इसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कोई सा भी कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन जो है यहाँ पर बटन टेक्स्ट कलर, ठीक है, ये जो व्हाट्सएप का बटन आपको नज़र आ रहा है बीच में, इसका कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, चेंज करने के बाद हमने सिंपली जो है इसको पब्लिश करना। अच्छा, उसके बाद जो है जब ये ऐड कर चुके हैं आप, उसके बाद आपने जो है दोबारा यहाँ पे आना है। और यहाँ पे आने के बाद आपने जो है ये फ्लोटिंग वेजेट पे जाना है, यहाँ पे इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने सर्च करना है,
जो भी हमारा था, तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे डिज़ाइन जो है, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपने यहाँ पे चेंजिंग करनी हो आप देख सकते हैं, बट मेरे ख्याल से चेंज करने का फ़ायदा नहीं है, सब कुछ ओके है। तो यहाँ पे ये जो है हमारा इस तरह का बटन जो है हमारी वेबसाइट पे नज़र आएगा। ठीक है, इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे, ऐसे जो है हमारा व्हाट्सएप का बटन नज़र आएगा, चैट का बटन। ठीक है, तो इसको जो है हम यहाँ से कर देते हैं। इसमें जो है आप चेक यहाँ पे रिस्पांस टाइम टेक्स्ट भी कर सकते हैं, मतलब जो आप इसको ऑटो पे कर देंगे यहाँ पे, तो जो जो भी आपके जब वो चैट के लिए आएगा तो उसको जो है ऑटोमेटिकली जो है वो टेक्स्ट सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आप किस जगह इसको डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ पर देखें शो ऑन डेस्कटॉप, शो ऑन मोबाइल ऐप, आपने ये लाजमी इनको चेक कर लेना कि ये यहाँ पे शो हो रहे हैं कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले ऑन पेज, तो आपने जो है सारों पेजों पे ये शो करवाना चाहते हैं तो आपने ऑल पेज कर लेना। ठीक है, तो अगर जस्ट स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है आपने सिंपली इसको सेव चेंज क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये सेव हो चुके हैं। अब जो है हम आते हैं यहाँ पे वेबसाइट पे, हमने इसको रिफ़्रेश करना है और हम देखते हैं कि हमारा व्हाट्सएप का बटन यहाँ पे ऐड हुआ या नहीं, तो हम इसको रिफ़्रेश करेंगे। ठीक है, तो ये देखें, ये जो है हमारा व्हाट्सएप चैट सपोर्ट का बटन यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो अब जो जब भी यूज़र जो है आएगा आपकी वेबसाइट पे और उसको जो है यहाँ पे व्हाट्सएप चैट सपोर्ट का बटन नज़र आएगा। ठीक है, आप देखें, अब मैं कोई सा भी अगर आर्टिकल ओपन करता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये बेस्ट प्रोटीन का वाला करता हूँ, मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, तो ये हर आर्टिकल पे, हर जो है कैटेगरी पे शो होगा यहाँ पे, देखें। ठीक है, ये चैट का बटन यहाँ पे आपको नज़र आ गया। ठीक है, तो सेम तरीके से आप जो है अपनी जो व्हाट्सएप चैट का जो सपोर्ट का जो बटन है वो आप अपने ब्लॉगर की वेबसाइट पे ये प्लॉग इन करके तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। बहुत सिंपल मेथड है, जो है आप इन चीज़ों को फॉलो करें और उसके बाद अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट पे आप इसको इजीली ऐड कर सकते हैं। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।